हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जीत ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे। एनटीए ने ऑफिशियली डेट अनाउंस कर दी है नीट एग्ज़ाम की। क्या 17 जुलाई को नीट एग्ज़ाम होगी और अब तैयारी करना शुरू कर दीजिए अगर आप नहीं किए हैं। अगर बेसिकली देखिए क्या होता है कि किन्हीं को अगर प्राइवेट से भी एमबीबीएस करना है तो वो बंदा अगर अभी भी चालू करेगा, अप्रैल में भी करेगा, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई 3 मंथ काफ़ी होते हैं और आराम से आप कवर कर सकते हैं। सिर्फ नॉ कुछ नहीं पढ़िए, सिर्फ बायो पढ़िए। अगर बायो में भी अगर 360 में आप मतलब 300 मार्क्स ले आते हैं तो बहुत है। मतलब और ऊपर से क्या केमिस्ट्री से थोड़ा सा मार्क्स आप ला सकते हैं, तो आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ, फॉर्म फिलअप डेट जो है, फॉर्म फिलअप डेट है 6 अप्रैल से 6 मई तक है। और उसके बाद आप जो पेमेंट कर सकते हैं, लास्ट पेमेंट कर सकते हैं 7 मई तक कर सकते हैं। और फिर तीसरा क्या है कि ओबीसी कैंडिडेट जो है, नहीं, जो जनरल है, जनरल को देना पड़ेगा 1600 फीस, और जो ओबीसी हैं उनको 1500 पड़ेगा, और जो SC ST वगैरह हैं उनको मतलब 900 900, और जो थर्ड जेंडर है SC ST वगैरह सारा थर्ड जेंडर। और ओबीसी में भी क्या है, ओबीसी में जो हैंडीकैप्ड हैं उसको 1500 लगेगी। तो ये रहा टोटल फी स्ट्रक्चर जो फॉर्म फिलअप करने का, यहाँ हम लगा भी चुके हैं, इससे भी आप देख सकते हैं अगर कन्फ्यूज़न हो रहा हो थोड़ा तो। और उसके बाद एग्ज़ाम का डेट तो 17 जुलाई को अनाउंस कर दिया गया है। एग्ज़ाम किस पैटर्न पे होगा इसमें ये भी हम बताने वाले हैं, क्योंकि एग्ज़ाम बेसिकली 3 घंटे 20 मिनट की रहेगी, जिसमें 200 क्वेश्चन रहेंगे, ए और सेक्शन ए सेक्शन बी पार्ट में रहेंगे। और हर क्वेश्चन हर मतलब हर सब्जेक्ट्स के 50 50 क्वेश्चंस रहेंगे, तो टोटल 200 क्वेश्चंस रहेंगे। सो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। और क्या कि आप और मतलब अभी से थोड़ा सा भी आप थोड़ा सा भी एक्टिवनेस आप दिखा दिए ना, क्या कि मतलब करना है, जुनून है आप में थोड़ा सा भी, तो अभी से भी आप कर सकते हैं और अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। और उसके बाद ना कि प्राइवेट में, गवर्नमेंट में भी मिलने का चांसेस होती है, क्या कि किन्हीं का अगर बेस स्ट्रांग रहता है और अभी तुरंत 3 महीना जम के मेहनत कर देते तो एकदम तुरंत निकलने का सियोरिटी मैं लेता हूँ। और बहुत बच्चे ऐसे मैंने देखे हैं कि निकाले हैं, तो आप घबराने की बात नहीं है और आप एकदम अपने जान जित से लगा दें, एकदम डू एंड डाई वाला। और अभी 3 महीना एकदम पूरा फ़ोन उन हर चीज़ छोड़ दें, एकदम कुछ भी हाथ नहीं लगाए, एकदम बिल्कुल अलर्ट हो जाए, हाई अलर्ट पे चले जाए, क्या कि नहीं हमको करना है तो करना है चाहे कुछ भी हो जाए। तो एकदम पूरा आइसोलेट हो जाए, पैक हो जाए, और सब आईफोन वाईफोन छोड़ दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल नोटिफिकेशन इस तरह की लाते रहूँगा मैं भी, जो भी इन्फॉर्मेशन और अपडेट आएगी NTA की तरफ से आपको सबसे पहले मेरे भी चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो चैनल को लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो एज मच एज यू कैन। अगर कोई क्वेरीज हो, कोई कुछ क्वेश्चन मन में आ रहे हो तो मेरे कॉमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हो बिना हिचक के, और पर्सनल DM भी कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम लिंक दिख रहा होगा वहाँ पे आप कर सकते हो, JeetBlog25 पे कर सकते हो पर्सनल DM, या व्हाट्सएप मेरे अवार्ड में जाओगे तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वहाँ से भी आप मेरे को मैसेज या फ़ोन कर सकते हो। आप भी हिचक, आपकी सेवा में मैं हाजिर हूँ। जीत ब्लॉग्स की जय।